दोस्तों Xiaomi जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इंडिया में अपने Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन को। आज ये स्मार्टफोन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है, इसका मतलब है स्मार्टफोन काफ़ी जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस को भी लीक कर दिया जा चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक प्राइस, स्पेसिफिकेशन एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखने वाला है Xiaomi 12 Pro स्मार्टफोन। बैक साइड में यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, डुअल एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी एंड नीचे की साइड यहाँ पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड बैक साइड से यहाँ पे आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगी। बात करें फ्रंट साइड की तो दोस्तों फ्रंट साइड में यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिजाइन वाइज काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। Xiaomi की तरफ से एक नया डिजाइन निकल कर आया है, मेरे को डिजाइन काफी पसंद आया है। आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन 8.2 mm थिक होगा एंड 205 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा, तो थिकनेस भी ज्यादा नहीं है एंड वेट भी काफी कम है इस स्मार्टफोन का, तो कैरी वगैरह आप इसी से इस स्मार्टफोन को कर पाएंगे। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक जो वेरिएंट है उसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगी एंड जो एक वेरिएंट है उसमें आपको वेगन लेदर बैक देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का फ्रेम इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको टॉप क्लास मिलेगी एंड ये स्मार्टफोन IP68 रेटेड होगा, तो डस्ट एंड वाटर प्रूफ ये स्मार्टफोन होगा। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी, यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल की बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.73 इंचेस की क्वाड HD+ E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि LTPO टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी। 10 bit यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1000 nits का यहाँ पे आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलेगा, 1500 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, HDR10+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, Dolby Vision का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले मेट A+ सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, यहाँ पे आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, 5:1 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा, डिस्प्ले मेट A+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, 10 bit डिस्प्ले है एंड दोस्तों E5 AMOLED डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पे आपको टॉप क्लास डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात करें कैमरास की तो दोस्तों कैमरास भी यहाँ पे आपको काफी तगड़े देखने को मिलेंगे। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 megapixel का होगा मेन कैमरा, जो कि होगा सोनी का IMX707 सेंसर, जो कि एक सोनी का नया सेंसर है एंड दोस्तों काफी तगड़ा सेंसर है, काफी अच्छी फोटोज निकाल कर देता है। OIS के सपोर्ट के साथ में आता है मेन सेंसर एंड जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो भी 50 megapixel का है, जो कि सैमसंग का JN1 सेंसर है एंड 115 degree का यहाँ पे आपको फील्ड ऑफ व्यू देता है। एंड दोस्तों जो टर्शियरी सेंसर है वो भी 50 megapixel का टेलीफोटो लेंस है, वो भी सैमसंग का JN1 सेंसर है, 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, तो ये वाला सेंसर भी कमाल का मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको डुअल LED डुअल टोन फ्लैश देखने को मिलेगी। तो रियर साइड से तो यहाँ पे आपको काफी तगड़े कैमरास देखने को मिलेंगे, रियर साइड से आपको कैमरास के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें सेल्फीज की तो दोस्तों यहाँ पे आपको 32 megapixel का सेंटर पंच होल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो सेल्फी कैमरा भी तगड़ा होने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी तगड़े कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 4nm आर्किटेक्चर पे बना है, Adreno का GPU यहाँ पे आपको मिलता है, तो गेमिंग एंड ग्राफिक्स के मामले में दिक्कत नहीं आएगी, पावर एफिशिएंट होगा ये प्रोसेसर, डे टू डे यूज में भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको 8GB/12GB LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी एंड 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें बैटरी की तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4600mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो बैटरी साइज तो काफी अच्छा है एंड यहाँ पे आपको 120W की सुपर फास्ट वायर चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 to 100% इन जस्ट 18 मिनट्स चार्ज कर देगी एंड यहाँ पे आपको 50W की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 to 100% इन 42 मिनट्स चार्ज कर देगी एंड यहाँ पे आपको 10W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज भी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड काफी फास्ट है वाइड वाली एंड वायरलेस चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट है, तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगी। बात करें मल्टीमीडिया की तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जो कि हरमन कार्डन ट्यून्ड होंगे एंड यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का साउंड भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा होने वाला है आपका इस स्मार्टफोन में, मल्टीमीडिया के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगी।
बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको MIUI 13 देखने को मिलेगा जो कि Android 12 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस स्मार्टफोन में Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, Wi-Fi 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा, NFC का सपोर्ट होगा। एंड दोस्तों Xiaomi का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा। एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको ग्रेफाइट शीट की 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो हीटिंग वगैरह का इशू आपको इस स्मार्टफोन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरियंट्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 4 कलर वेरियंट्स में आता है, ब्लैक, पिंक, ब्लू, जो कि ग्लास बैक के साथ में आते हैं, एंड जो ग्रीन कलर वेरियंट है वो वेगन लेदर बैग के साथ में आता है। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस की, तो दोस्तों लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में अराउंड 65-70 के, यानी कि 65,000-70,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों लीक प्राइस की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो वन प्लस 10 प्रो स्मार्टफोन था वो भी सेम चिपसेट के साथ में लॉन्च हुआ है, वो भी 70,000 रुपये के आसपास के प्राइस में लॉन्च हुआ है। तो आप इस स्मार्टफोन को भी 70,000 रुपये के आसपास के प्राइस में इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होता है, तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों Xiaomi ने इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिया है। एंड मन्नू कुमार जैन जी ने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट में 12 जो है वो काफ़ी हाईलाइट किया गया, यानी कि स्मार्टफोन 12 अप्रैल को इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।